यहाँ क्यों रह रहे चाचा यहाँ आपको भगाया है आपको भगा दिया है कौन भगा दिया है बेटा पुत्र हमको बूढ़ी मारा था आपके बूढ़ी को जी हाँ घोल्टा घोल्टा मारा इसी खटिया पे बैठिए तो यही बैठते थर, रहे आप गिर जाइएगा हो सकता है समझे ना हमको हाँ। बूढ़ी मारता है घोल्टा घोल्टा मारा गाली देती है जी हाँ कौन दिया गाली पुतहू दिया है तो आपका बेटा कुछ नहीं बोला नहीं कुछ नहीं बोलता है वही तो मरवाता है यार वो बेटा मरवाता है जी हाँ बेटे मरवाता है बेटा मरवाता है बेटा मरवाता है पुतोहू से पुतोहू से मरवाता है जी हाँ कितना बेटा आपको एक अच्छा सिर्फ एक बेटा है एक बेटा है और यहाँ है देख लीजिएगा वही खड़ा है अच्छा अच्छा वही खड़ा है तो ये सामान वगैरह सब आपका ही दिखाई जरा सा राजू भाई ये सामान वगैरह आपका ही है पूरा घर से सामान निकाल के यहाँ रख दिए हैं अच्छा बेटा जब आपका आपको पैदा हुआ था जी हाँ। आप जब पिता बने थे आपका जब बेटा हुआ था उसके परवरिश में कोई कमी रखे थे जी नहीं हुं? जी नहीं खाने पीने नहीं देते थे बेटा को नहीं हम अलग है वो नहीं, नहीं, आपको जब हुआ, आपका जब बेटा हुआ से साथ में थे सब साथ में थे जी हाँ हम क्या पूछ रहे हैं जब आपका बेटा छोटा था बच्चा था आपका बेटा उस टाइम आप खाना उसी समय में हम कमा के खिलाए यही पूछ किए कितना साल बेटा को खिलाया आप साल तीन चार साल खिले आए उसको जब तक शादी नहीं हो गया तब तक शादी ब्याह सब करा हैं। आप ही करवाए जी हाँ। अभी बेटा आपको निकाल दिया। निकाल दिया दिया समाज वाले को नहीं बोले समाज वाले समाज वाले कुछ नहीं बोलता है समाज वाले कुछ नहीं बोलता समाज वाले लगता है आपके घर में हम क्या बोलेंगे क्या नहीं? बोलेंगे जी हाँ पुतहु भी मारा है हाँ बेटा भी मारा है जी हाँ आपका नाम क्या है छेदी ठाकुर आपके बेटा का संजय ठाकुर संजय ठाकुर जी हाँ आइए जरा सा एक चीज मैं अभी दिखा रहा हूं यहाँ पे कि एक चचा एक चचा यहाँ पर देख लीजिए कि जिनको उनके बेटे ने घर से निकाल दिया उनकी बहू ने घर से निकाल दिया और समाज के लोग देखने आ रहे हैं जबकि इस समाज को इंसाफ इन, दिलाना चाहिए था इस समाज को बताना चाहिए था अब आप सोचिए इधर आइए राजू भाई राजू भाई राजू भाई अब जिस तरीके से एक बाप इस तरीके से अपने घर से बाहर है उस घर से बाहर है जिस घर को बाप ने बनाया उस बेटे ने उसे घर से निकाला जिस बेटे को उन्होंने पैदा किया उस बहू ने निकाला जिस बहू को उन्होंने अपने बेटे के लिए शादी करा कर लाया वो चीज यहां पर अब इन छोटे छोटे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा आप सोचिए अगर आपके समाज के अंदर ऐसी चीजें होंगी तो इस बच्चे पर क्या असर पड़ेगा ये यही सीखेंगे कि जब बाप बूढ़ा हो जाएगा तो बाप को घर से बाहर निकाल दिया जाता है इस बच्चे को यही सीख मिलेगी क्योंकि ये बच्चा अभी अपनी बचपनी में ये चीज देख रहा है कि हमारे बाप को या फिर जो दादा हो जाता है, जो दादा हो जाता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। की कहानी है, जिले की कहानी है, भागलपुर जिले की लोग, लोग, समाज के लोग है, इनसे ही जानेंगे के कर वो चचा जो बोल रहे हैं उसका बेटा घर से निकाल दिया है घर में रहता है नहीं चाचा को कितना बेटा है कहा जाएगा वो जाएगा की कहे अपना बेटा के पास जा रहे जो बाप अपने बच्चे को 25 साल 30 साल उसका हर हर जरूरत पूरा करता है। उसका हर पूरा करता करता है है उस उस उसका शौक बाप को इस तरीके से हसर कर दिया बेटा रहता है इसको गड़ागरी जो समाज अगर उसकी बोल... पत्नी कहा है उसकी पत्नी उसकी पत्नी सर बह... उसको बीमा को भी निकाल दिया है बहन को किया है बुलाने के लिए हम लोग समाज बोलते हैं समाज को गड़ागरी करता है कौन दुस्त कौन गुआर इसको क्या कर लेगा ये कर लेगा बहुत तरह का बात बोलता है तो कौन इसके पल्लों में पड़ेगा बहुत बहुत दिए दिए थानों में भी हाँ। बहुत बार ये थाने की बात नहीं है थाना वाला क्या करेगा सर, ये इंसाफ समाज दिला सकता है दिला क्योंकि एक... आप भी बूढ़े होंगे जी, जी, आपका बेटा भी अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो आपके साथ भी आपका बेटा वैसा ही करेगा क्योंकि ये बच्चा यही सीखेगा कि बाप मैं बूढ़ा होता है तो उसको घर से लात मार के घर से लात मार के निकाल दिया जाता नहीं सर ऐसा चाचा आपका उम्र कितना सोच लिए कितना है अच्छा पचास साल तो हो ही गया होगा हाँ जी। आप बेटा के साथ रहते हैं कि घर आप भी बाहर रहते हैं। नहीं, बेटा के साथ बेटा रहता रहता है है, आपको। बेटा है। उस चाचा को क्यों नहीं रख रहा है, रहा है कि जी, भाई कि के रहा अच्छा रहा क्या कि है? है? है अच्छा हो रहा है समाज में आपके नजर में क्या समाज में तो अच्छा नहीं हो रहा है कितना बिगड़ गया कितना कि समझे कि नहीं कितना समयता है कितना मतलब बात किसी नहीं रखता है किसी कोई नहीं सुनता है नहीं कोई किसी का बात नहीं है एक युवा साथी भैया आपसे जरा सा क्या कहानी है इसका जरा सा बताइएगा एक बूढ़े चाचा ठंड का मौसम है उधर से हवा आती होगी इधर से हवा आती होगी आप जानते हैं ठंड में हर कोई रूम के अंदर रहना चाहता है जिसकी उम्र सत्तर साल वो ठीक से बाथरूम भी नहीं जा पाएंगे जी, जी। खाना पकाना तो छोड़ दीजिए वो ठीक से बाथरूम भी नहीं जा पाएंगे उनकी हालत ऐसी क्यों है ऐसी हालत ऐसी हालत है सर उसका बेटा पुतो कोई उसको मार के भगा दिया है उसका बीवी को उसको उस बूढ़े की बूढ़ी भी बूढ़ा को भी बूढ़ी को भी निकाल दिया हो सकता है जितना समाज से आप राय ले सकते हैं सही बात है किसी का बात नहीं मानता है जो अभी जैसे अभी आपसे हम बोले हो सकता है वो मेरे से कल झगड़ा भी कर सकता है वो अलग चीज है लेकिन हाँ। सामाजिकता के नाते सामाजिक तौर पर यह एक बेटा पोतो था मिलजुल रहना चाहिए और क्या लेकिन घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए इसको बाहर निकाल दिया है इस तरह तो कभी मर सकता है और मरता भी है देखिए ना समा आइए जरा भैया क्या तो दिक्कत है भैया क्या दिक्कत है भैया क्या दिक्कत है भैया आप ही बेटा है ना हाँ मैं उसका बेटा हूँ